जिसमें ये फैसला होगा कि मस्जिद को लेकर के, जो हालांकि वो क्लियर कर चुके हैं कि मस्जिद वहां पर वो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो 5 एकड़ लैंड देने वाली बात है उसको लेकर के भी कई बात आ रही है बात। आप जो कल बैठक होने वाली है उसको कैसे देखते हैं, और खासकर वो जो लैंड है उसको भी नहीं लेने की बात उठ रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो 5 एकड़ ज़मीन राम जन्मभूमि प्रकरण में दी गई है, अगर वो नहीं लेता है तो वो शिया वक्फ बोर्ड को दे दे। हम उसमें एक भगवान श्री राम के नाम पर एक अस्पताल बनवाएंगे, उस अस्पताल में एक छोटी सी मस्जिद भी होगी, एक मंदिर भी होगा, एक गुरुद्वारा भी होगा, एक चर्च भी होगा। देखिए, भगवान राम के नाम पर कहीं पूरी दुनिया में कोई विरोध नहीं है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार जो महापुरुष पहले आया वो बाद में आने वाले महापुरुष का पूर्वज ही होता है। भगवान राम 9,000 साल पहले आए थे, उसके बाद जीजस क्राइस्ट आए, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद आए। तो भगवान राम प्रॉफिट मोहम्मद हो या जीजस क्राइस्ट हो, उनके भी पूर्वज हैं, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। और जिस तरह से कुछ कट्टरपंथियों ने इस मामले में नफरतें पैदा करने की कोशिश की है, यह हमारा दुर्भाग है। सऊदी अरब के लोग इसलिए अपने पर गर्व करते हैं कि वो उस जगह पर पैदा हुए हैं जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए थे। हर हिंदुस्तानी को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुए जहाँ भगवान राम पैदा हुए। और उनकी पैदाइश पे बन रहे राम मंदिर को लेकर अगर जिस तरह के झगड़े और फसाद लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझते हैं दुख की बात पर है। वो ही कह रहे हैं ना कि उस लैंड को अगर नहीं लेते हैं तो आप क्या करेंगे? हमको दे दें, मैं तो कह रहा नहीं लेते हैं तो शिया वक्फ बोर्ड को दे दें। एक बहुत बड़ा सा एक हम अस्पताल बनवाएंगे भगवान श्री राम के नाम पर, उसमें एक छोटी सी मस्जिद भी होगी, एक छोटा सा गुरुद्वारा भी होगा, एक छोटा सा मंदिर भी होगा, एक गिरजाघर भी होगा और बड़ा सा अस्पताल होगा। दे हमको। पर अगर आप बनाना ही चाहें, अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो आप वो कहीं और भी कर सकते हैं, क्या जरूरी है कि यहीं पर आप चाहते हैं? क्यों यहाँ ही पर चाहते हैं? नहीं, 5 एकड़ ज़मीन अगर नहीं लेते हैं कोर्ट का ऑनर या आप क्या वजह मानते कोर्ट हैं के उसका? ऑनर से, एक इस मामले को पूरी तरह से ख़त्म करने की दृष्टि से हम इस बात को कह रहे हैं। यूं तो तमाम ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ अस्पताल भी बन रहे हैं, होटल्स भी बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें तो अब बन रही हैं। लेकिन एक कोर्ट का ऑनर है और ये मामला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इसकी वजह भी है कि भाई ज़मीन मिल भी गई, उसमें ऐसा सा बन भी गया, मामला ख़त्म हो गया, कहने वाली बात ना रहे बाद में कोई। तो हम तो इस मामले को हमेशा सुलझाने के फेवर में रहे हैं।